हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं जीबीएससी स्टैंडर्ड 5 की पोयम 4 सुंदर सुंदर आकाव्य धर्मेंद्र मास्टर मधुरा में लिखी थे। शुरुआत करिए। सुंदर सुंदर सूरत सुंदर चांदो सुंदर सूरत सुंदर सरिता ने सरोवर विभु हसे तो केवा सुंदर एवं था तो मुझ मन में। अहीं आ कविता में जे कवि छे ए कुदरतना बदा अलग अलग वस्तुओं साथे भगवान ने प्रश्न पूछे छे कि आ बधी वस्तु जे ते बनावी छे ए आटली सुंदर छे तो तू केटलो सुंदर हसे। अहीं एम कहे छे कि सूरज पण सुंदर छे, चांदो पण सुंदर छे, जे नदी अने सरोवर छे ए पण सुंदर छे। तो मने विचार आवे छे मनमां कि भगवान हसे तो केटला सुंदर। उषा सुंदर, निशा सुंदर, सुंदर वन उपवन गिरिवर, सवार सुंदर छे, रात पण सुंदर छे, वन उपवन अने पर्वत बधी वस्तु सुंदर छे। मने मन में एम थाय छे कि जेने बनावी हसे ए केटला सुंदर हसे। माछली सुंदर, पक्षी सुंदर, सुंदर धरती शान समीर। एम कहे छे माछली सुंदर छे, पक्षी पण सुंदर छे, आ धरती सुंदर छे अने पवन जे छे समीर एटले पवन, पवन पण एकदम शान छे। विभू हसे तो केवा सुंदर एवं थातु मुझ मन में। अने जे भगवान हसे केटला सुंदर हसे ए मने मन में थाय छे। कविता सुंदर, जीवन सुंदर, सुंदर तारा आप विशाळ। એમ કે છે કવિતા એટલે પોયમ, પોયમ સુંદર છે, જીવન પણ સુંદર છે, તારા પણ સુંદર છે અને આ જે આખું આકાશ છે એ વિશાળ છે। મને મનમાં થાય છે કે આ જે બધી વસ્તુ બનાવી છે એ કેટલા સુંદર હશે। ભાષા સુંદર, આશા સુંદર, સુંદર હૈયું ને માનવ, જે બોલીએ છે એ ભાષા સુંદર છે। આશા ઇન ધ સેન્સ આપણે કઈ વસ્તુ એક્સપેક્ટ કરીએ એ આટલી સુંદર ભગવાને બનાવી છે। માનવનું હૈયું આટલું સુંદર બનાવ્યું છે તો મને એમ થાય છે કે જે ભગવાન હશે जिमने बनावी छे ए कितला सुंदर हसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।